वेलकम बैक गाइस, यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद यू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट पोएम ऑफ योर इंग्लिश पोएट्री। द नेम ऑफ दिस पोएम इज अ फोटोग्राफ एंड इट हैज बीन कंपोज्ड बाय सरले टोल्सन। प्रिय छात्रों, आज हम आपके अंग्रेजी काव्य से पहली कविता अ फोटोग्राफ एक तस्वीर जो कि कंपोज बाय सरले टोल्सन के द्वारा लिखी गई है। इस सरले टोल्सन ने एक तस्वीर नामक कविता का चित्रण किया है, रचना किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द पोएट्स। द पोएट सरले टोल्सन वॉज अ ग्रेट पोएटेस, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर एंड ऑडिटर। यह कवियत्री सरले टोल्सन एक महान कवियत्री, महान पत्रकार और एक फेवरेट मीन्स प्रिय अध्यापिका के रूप में एंड ऑडिटर और संपादक के रूप में थी। शी वाज बोर्न ऑन 20 मई 1924 इन इंग्लैंड। उनका जन्म 20 मई सन 1924 में इंग्लैंड में हुआ था। यू कैन से दैट सी आल्सो बिलोंग्स टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड से हैं। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1960। उनकी पहली पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई। सी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज आल्सो। यू शुड नो सी वुड पार्टिसिपेट। वो सहभाग भी किया करती थी, वो सहभागिता भी ले लिया करती थी इन सोशल एक्टिविटीज आल्सो, सामाजिक क्रियाओं में, समाज कार्य में भी उनकी सहभागिता हुआ करती थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये कह सकते हैं कि पोएटेस, द पोएटेस सरले टोल्सन वाज अ सोशल लेडी। वो एक सामाजिक महिला थी। शी हैड अ गुड एटीट्यूड रिलेटेड टू सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई। वो एक बहुत ही चिंतनशील कवियत्री थी। अ फोटोग्राफ एक तस्वीर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जान लें कि व्हाट हैज बीन गिवेन इन दिस पोएम अ फोटोग्राफ दैट हैज बीन कंपोज्ड बाई सरले टोल्सन। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि इस एक तस्वीर नामक कविता में कवियत्री ने क्या दिखाया है, क्या लिखा है, क्या हमें बताने का काम किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द पोएट्स सरले टोल्सन हैज टोल्ड ऑल ऑफ अस अबाउट ह्यूमन लाइफ फर्स्ट। प्रिय छात्रों, आप लोग सबसे पहले जान लें कि यह कविता जिसको सरले टोल्सन ने रचा है, यह कविता है जो है वो बिल्कुल मानव जीवन के बारे में दी गई है। ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में दी गई है। आप जानते हैं कि आवर लाइफ आर वी आर आल मार्टल्स। हम दुनिया के सभी नश्वर जीव हैं। हम सभी क्या हैं? नश्वर है। नश्वर का मतलब कि वी शैल मीट आवर एंड वन डे इन लाइफ। जीवन में हमें एक दिन हमको अंत से भी गुजरना होगा। अंत मतलब कि वी शैल डाई वन डे। अनडाउटेडली देर इज नो डाउट मैनी मार्टल,
निश्चित रूप से मनुष्य क्या है, एक नश्वर प्राणी है। हम सभी दुनिया में आए हैं, वी हैव कम एंड वी शैल डाई, हम आए हैं और मर जाएंगे, जाएंगे बिफोर द डिपार्चर, प्रस्थान से पहले। बी शैल हैव टू डू ए लॉट, हमें ढेर सारे कार्य करने हैं। बट व्हाट इज द रियल मोटो ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसे हमें करना है। द पोएटेस सजेस्ट, कवियत्री जी सलाह देती है, सुझाव देती है, क्या देती है जान लीजिए कि लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, ये मानव जो जीवन है ये जो है बहुत थोड़े का है, बट इट इज वर्थलेस, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका मूल्य हम नहीं दे सकते। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल पोजेशन ऑफ मैन, मानव जीवन मानव के लिए सबसे अमूल्य संपदा है, बट वी डोंट थिंक ऑफ इट, लेकिन हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं, वी मस्ट थिंक ऑफ इट। ये छात्रों, द पोएटिस हैज टोल्ड अबाउट हर मदर एंड थ्री स्टेजेज ऑफ लाइफ, इसमें कवियत्री जी ने अपनी माँ के बारे में बताने का काम किया है कि व्हाट टाइप ऑफ लेडी वाज हर मदर एंड व्हाट वाज हर फिजिकल चार इन हर यूथ, इन हर चाइल्डहुड एंड हाउ डिड सी पास अवे फॉर हर हेवेनली एबोड, कि उसका बचपन में क्या रूप था, युवावस्था में क्या रूप हुआ और बुढ़ापा आने के बाद वो इस दुनिया से सदा सदा के लिए हर हेवेनली एबोड। हेवेनली एबोड का मतलब आप जानते हैं कि जब व्यक्ति का अंतिम क्षण अर्थात मृत्यु का जब होता है, जब व्यक्ति यहाँ से गुजरता है तो हम क्या कहते हैं कि स्वर्गवासी हुए, हेवेनली एबोड, दिव्य स्थल अर्थात वो जो यमलोक है उसी को हम हेवेनली एबोड कहते हैं। एबोड माने होता है प्लेस। तो व्यक्ति अंत में उस यमलोक की नगरी में जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है। तो द पोएटिस हैड डिस्क्राइब्ड द थ्री स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, मैन लाइफ, मानव जीवन के तीन अवस्थाओं का वर्णन कवियत्री जी ने कहा है। एज यू नो दैट चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, आप हम जानते हैं कि जो बचपन होता है ये भी स्लिप करता है, अर्थात ये कहाँ जाता है स्लिप करके, यूथ, यूथ का मतलब युवावस्था, कि चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, कि ये बचपन हमारा आपका जवानी की तरफ युवावस्था की तरफ जाता है, अर्थात ये यहाँ से बचपन से फिसल कर युवावस्था को प्राप्त करता है। और फिर यूथ कहाँ जाता है, यूथ सिर्फ इनटू ओल्ड एज, और जो हमारी जीवावस्था होती है, युवावस्था होती है, ये सिर्फ कहाँ जाती है, ओल्ड एज में, ओल्ड एज मीन्स वृद्धावस्था की तरफ। तब होता क्या है, मैन बिकम सैड, जब व्यक्ति बुढ़ापे की तरफ चला जाता है तो मैन बिकम सैड, मनुष्य उदास होने लगता है। वाई, बिकॉज ही रिमेंबर्स द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, वो बीते हुए लम्हों की, अतीत की स्मृतियों को दिमाग में रखता है कि हाउ डिड ही पास हिज टाइम ईयर्स एगो, कि वर्षों वर्षों पहले उसने कैसे जीवन को गुजारा। ही रिमेंबर्स हिज ओल्ड एज, ही रिमेंबर्स हिज द पास्ट ऑफ लाइफ, मीन्स वो जीवन के अतीत की तरफ याद करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट दिस पोएम टुमारो, आई विल विजिट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।